वापस ऑप्शन बी करो, बाकी ऑप्शन बी। चलो देखो यहाँ पे तुमको सबसे पहले क्या चेक करना है, कौन से ऑप्शन में एम इज डॉटर ऑफ आर है। तो एम डॉटर ऑफ आर होने के लिए सबसे पहला काम तुमको चेक करना है कि एम एक फीमेल होना है, ठीक है। एम एक फीमेल होना है, जहां पे वो फीमेल बनेगी वहीं पे वो डॉटर ऑफ आर बनेगी, ठीक है। अब आर उसका पापा हो कोई दिक्कत नहीं है, आर उसकी मम्मी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डी क्रॉस एम, तो डी क्रॉस एम का मतलब तुम्हारा हो गया डी इज ब्रदर ऑफ एम, समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि पी क्रॉस क्यू का मतलब है पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो डी क्रॉस एम का मीनिंग हो गया डी इज ब्रदर ऑफ एम, ओके। तो वहां से क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि डी तो भाई है पर एम भाई है या बहन है पता नहीं चल रहा है, तो इसका डायग्राम हमको ड्रॉ नहीं करना है। जब एम का जेंडर ही नहीं पता है तो एम डॉटर होगी ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है फिर से डी इंटू एम, तो डी इंटू एम को अगर आप डिकोड करोगे तो उसका भी मतलब वही हो जाएगा डी इज ब्रदर ऑफ एम, डी इज ब्रदर ऑफ एम। अब वो तो भाई बन गया, एम भाई है या बहन है ये तो नहीं पता, तो यहाँ पे भी एम्बिग्युइटी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में बोल रहा है एम माइनस जे, ठीक है। एम माइनस जे, तो एम माइनस जे का मतलब हो गया कि एम इज सिस्टर ऑफ जे। तो देखो यहाँ पे एम जो है वो फीमेल है तो शायद वो यहाँ बेटी हो सकती है, यहाँ पे भी देखो एम माइनस टी तो एम फीमेल है, तो आर प्लस एम का मतलब हो गया तुम्हारा आर इज मदर ऑफ एम, ठीक है। आर इज मदर ऑफ एम, उसके बाद एम माइनस टी का मतलब तुम्हारा हो गया एम इज सिस्टर ऑफ टी। तो अगर एम टी की बहन है तो जाहिर सा बात है एम का जेंडर यहाँ क्लियर हो गया कि एम जो है वो डॉटर ऑफ आर है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं तापस, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आराम से कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो भी तुम्हारे पास रिकॉर्डेड सेशन रहा, ठीक है, समझ गए। हम यहाँ पे पहला चीज क्या प्रायोरिटी में रखे, पहला प्रायोरिटी ये रहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन कैंसिलेशन में जाना, ऑप्शन को कैंसिल करते जाना है, ठीक है, ऑप्शन को कैंसिल करके तुमको जाना है। मतलब अगर एक मार्क के क्वेश्चन के लिए तुम चारों के चारों ऑप्शन को ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत ज्यादा ही कंज्यूम होगा। तो इसी वजह से पहले चेक करना है कि जेंडर किसका क्या है, ठीक है, जेंडर किसका क्या है, जेंडर के बेसिस पे कौन से ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कैंसिल कर लेना। तो कैंसिल करने के बाद जो बचता है एक या दो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर से रिपीट करें, ये जो नॉन ऑफ दिस वाला ऑप्शन है तो हम प्रैक्टिस सेट जो लाए थे वो बैंक का एक था, तो इसी वजह से यहाँ पे नॉन ऑफ दिस है। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारे ए सो एग्जाम में नॉन ऑफ दिस नहीं रहेगा, ए सो एग्जाम में तुम्हारे चारों के चारों ऑप्शन ही रहेंगे, क्लियर हो क्या। हम बैक साइड से जल्दी हो रहा है, ठीक है, जैसे तुमको कंफर्टेबल लगे, बट एक ही चीज ध्यान में रखना कि सारे ऑप्शन को ड्रॉ करने मत बैठ जाना, बेकार में टाइम किलिंग होगा वो चीज, ठीक है। क्लियर हुए दोनों, क्या हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें, एकदम आराम से धीरे धीरे समझा रहे ताकि तुम चीजों को सीखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे जो प्रैक्टिस सेट हम आज देने वाले हैं उसमें रहेंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चा पार्टी, सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करें। ओके करो, बाकी समझ गए आप, चलो ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन।
दोनों का आंसर ऑप्शन बी आया। चलो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरि, इसका मतलब फोटोग्राफ किसका है, हरि का है। तो तुम यहाँ पे नाम के हिसाब से हरि को मेल, विजय को भी मेल ले सकते हो, ठीक है। हरि के फोटोग्राफ को पॉइंट करके विजय बोल रहा है, द फादर ऑफ हिज सिस्टर। ओके, द फादर ऑफ हिज सिस्टर, तो विजय बोल रहा है मतलब ये हरि के लिए है, तो यहाँ पे रहा तुम्हारा हरि, ठीक है। तो द फादर ऑफ हिज सिस्टर मतलब हिज सिस्टर्स फादर, मतलब जो हरि का पापा है, ये सीधा मीनिंग है। द फादर ऑफ हरि, हिज सिस्टर हटा के तुम यहाँ पे डायरेक्टली हरि भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके बहन का जो भी मतलब पापा होगा वो उसका भी तो पापा होगा ना। तो द फादर ऑफ हरि इज द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ्स मदर। ओके, तो मेरी जो सासू माँ है, ठीक है, मेरी मेरे वाइफ की मदर मतलब क्या है, मेरी सासू माँ। मेरे सासू माँ के पति मतलब क्या है, मेरे ससुर जी है, ठीक है। हरि के पापा जो है वो मेरे ससुर जी हैं, तो वो ससुर जी कैसे बनेंगे जब हरि की बहन से कौन शादी करेगा, विजय शादी करेगा, ठीक है, समझ गए। तो हरि के पापा जो है वो मेरे वाइफ के मदर के हस्बैंड है, मतलब मेरे सासू माँ के पति है, मतलब मेरे ससुर जी हैं। तो इसका मतलब हाउ विजय इज रिलेटेड टू हरि। तो देखो, विजय से हरि का रिलेशन पूछे या हरि से विजय का रिलेशन पूछे पूछे, दोनों आपस में क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ओके, वेरी गुड। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। ओके, तापस ऑप्शन ए, चलो ठीक है। करो बाकी ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट है। चलो, दोनों का आंसर अलग अलग आया, चलो देखते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोला है डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो भाई है किसका, बी का। एम इज ब्रदर ऑफ बी, एम जो है वो भी भाई है बी का। के इज फादर ऑफ एम, तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, अगर के एम का पापा है तो जाहिर सा बात है वो बी का और डी का भी पापा है। फिर बोल रहा है कि टी इज वाइफ ऑफ के, तो टी यहाँ पे वाइफ ऑफ के है। अब पूछ रहा है हाउ बी इज रिलेटेड टू टी, तो बी का जबकि जेंडर नहीं पता है, बी इज रिलेटेड का मतलब है बी का रिलेशन टी के साथ क्या है। तो याद रखो, बी का जेंडर नहीं पता है मतलब तुम उसका रिलेशन नहीं बता सकते हो, बट यहाँ पे बी जो भी होगा, या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी, मतलब या तो वो सन होगा या तो वो डॉटर होगी। तो यहाँ पे बकायदा तुम्हारा आंसर होना चाहिए था क्या, नॉट बी डिटरमाइन या डेटा इनएडिक्वेट, पर सन या डॉटर जो भी होगा ये ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी में ये चीज एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेटा इनएडिक्वेट नन ऑफ दिस में मत जाना, क्योंकि बी यहाँ पे या तो लड़का या तो लड़की है, उसके अलावा बी का रिलेशन कुछ भी तीसरा नहीं आने वाला है। तो सन और डॉटर जबकि ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, डेटा इनएडिक्वेट, डेटा इनसफिशिएंट, नन ऑफ दिस मत करना, ठीक है, क्लियर हो। तापस ऑप्शन ए सन कैसे बोल दिए थे, ऑप्शन ए जो है वो सन कैसे होगा जबकि यहाँ पे उसका जेंडर ही नहीं पता चल रहा है। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑप्शन में तुम्हारा कोई अगर डेटा जा रहा है इधर और वाला, ओके, खास करके एसओ एग्जाम है तो इधर ब्रदर इन लॉ और सन इन लॉ। हाँ, अगर कजिन वगैरह होगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा,
ठीक है, अगर तुमको डायरेक्टली बोल रहा है कि ए मीन्स ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब है एम और बी आपस में शिवलिंग है। ओके, एम और बी आपस में शिवलिंग है, इनके मम्मी पापा सेम है। क्वेश्चन में जहां पे तुमको ब्रदर वाला वर्ड दिखे या सिस्टर वाला वर्ड दिखे, उनको हमेशा तुमको क्या करना है, शिवलिंग्स में ही लेना है, उनको कजन में कभी नहीं करना। ठीक है, उनको कजन में कभी भी नहीं करना है। क्लियर हो? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला बताओ, आज काफी क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के हैं, काफी हद तक तुम्हारा ब्लड रिलेशन जो है वो बेटर हो जाएगा, आई होप। ऑप्शन ए, ओके। सो क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, फोटोग्राफ को पॉइंट करके कौन बोल रहा है? अरुण बोल रहा है, शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन्स वाइफ्स डॉटर। ओके, तो माई वाले पार्ट से पहले शुरू करते हैं, जबकि अरुण बोल रहा है तो माई वाला पार्ट अरुण को लेते हैं। तो अरुण यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरुण एक मेल है तो वो बोल रहा है माई ब्रदर्स सन्स फिर वाइफ्स डॉटर, ठीक है, जो है शी इज द मदर। ओके, तो माई ब्रदर्स सन्स वाइफ्स डॉटर्स मदर, इसका मतलब ये है, ये वाली लड़की जो है ये वो फोटोग्राफ वाली लड़की है। ओके, तो हाउ अरुण इज रिलेटेड टू द लेडी। तो एक चीज देखो, अरुण यहाँ पे इस लेडी की, इस ये जो लेडी है ये घर की नहीं है, ठीक है। तो अरुण का जो भाई है, अगर उसके भाई के लिए ये डॉटर इन लॉ है, तो अरुण के लिए भी ये डॉटर इन लॉ होगी, ठीक है, डॉटर इन लॉ, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हम इसी वजह से दिए थे क्योंकि अगर घर में तीन भाई है, घर में तीन भाई है, इसमें से एक भाई के लड़के ने शादी कर लिया, तो उसकी जो बहू है वो बाकी दोनों भाई के लिए भी बहू ही कहलाएगी, ठीक है। घर में एक बहू आती है तो वो सब आपको पूछ रहा है कि हाउ अरुण इज रिलेटेड टू द लेडी। तो देखो, अब लेडी, अगर लेडी की बात करें तो लेडी क्या बन जाएगी, डॉटर इन लॉ। बट क्वेश्चन पूछा है हाउ अरुण इज रिलेटेड, तो देखो अब लड़के के लिए अरुण क्या है, लड़के के लिए अरुण उसका अंकल है, तो लड़की के लिए बकायदा वो होना चाहिए था अंकल इन लॉ, अंकल इन लॉ, ठीक है। बट जबकि ऑप्शन में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम आंसर इसको अंकल आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तुम आराम से अंकल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो।
ऑप्शन सी। चलो ठीक है मदर। अब तुमको क्वेश्चन ये बोला है लक्ष्मी और मीना दोनों रोहन के वाइफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रोहन को हम रखते हैं तो ये बेचारा बंदा क्या क्या है, 2 बार शादी किया है, एक लक्ष्मी है और 1 बार शादी किया है और वो मीना है। तो शालिनी जो है वो मीना की स्टेप डॉटर है। अब मीना की स्टेप डॉटर है मतलब जाहिर सा बात है वो लक्ष्मी की डॉटर है शालिनी, ठीक है। शालिनी जो है वो लक्ष्मी की डॉटर है, तो जाहिर सा बात है हाउ लक्ष्मी इज रिलेटेड टू शालिनी, तो लक्ष्मी उसकी क्या बन जाएगी, मदर बन जाएगी। ओके ये वाला बताओ। ये तुम्हारा एक रो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब जो क्या बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बता रहे हो। ओके पिछला वाला था। ओके चलो ये वाला करो, बताओ क्या होगा। ये होगा या हम सॉल्व करते, नहीं हो रहा है। चलो ठीक है हम बना दे रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा दिमाग में एक ही चीज रखना है, वो है कि इसका ड्राइंग, ठीक है, हमेशा याद में रखना इसका ड्राइंग कैसे तुम डाल रहे हो। इसका ड्राइंग जैसे डालोगे उसी हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सबसे पहला चीज है नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग मतलब इन लोगों के लिए राइट मतलब तुम्हारा राइट हैंड चलेगा, इन लोगों का लेफ्ट मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड चलेगा। मनीषा जो है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, तो सुरेश के फोर्थ लेफ्ट में मनीषा है। हु इज, तो याद रखो हु विच व्हाट हुम, ये हमेशा किसको रेफर करते हैं, ये हमेशा उसी पर्सन को रेफर करते हैं जो उसके इमीडिएट पहले बैठते हैं, ठीक है। तो सुरेश जो है वो 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड है, तो लेफ्ट एंड मतलब तुम्हारे बाएं हाथ से, ठीक है। लेफ्ट एंड का मतलब है तुम्हारे बाएं हाथ से, तो ये हो गया तुम्हारा बायां हाथ। तो लेफ्ट एंड से सुरेश बोल के जो बंदा है वो 10th जो है सॉरी मनीष जो है वो फोर्थ लेफ्ट में है, टू लेफ्ट। तो टू लेफ्ट मतलब फिर पीछे आना है, क्योंकि याद रखना अगर ये एक रो है, ये होता है तुम्हारा फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट ये होता है इधर जाना तुम लोगों का टू लेफ्ट होता है। तो मनीष जो है वो फोर्थ लेफ्ट ऑफ सुरेश है, तो सुरेश के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन में मनीष है, मतलब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6th। तो मनीष तुम्हारा लेफ्ट साइड से 6th में बैठा है। निशा जो है सेकेंड राइट ऑफ सुरेश है, तो सेकेंड राइट मतलब यहाँ पे आ गई निशा, वो सुरेश के सेकेंड राइट में मतलब आगे बैठी है, तो 10+2 मतलब 12th है, बट कौन सा साइड से, वही लेफ्ट साइड से, क्योंकि अभी तक राइट साइड से डेटा नहीं है। ओके एंड ये एंड किसके लिए है, सेंटेंस जिसके पास से शुरू हुआ था। तो यहाँ पे सेंटेंस किसके पास से शुरू हुआ था, यहाँ पे निशा के पास से शुरू हुआ था, तो ये एंड जो है ये निशा के लिए है, ये एंड वाला वर्ड निशा के लिए है, ठीक है। सो एंड निशा इज, ठीक है, ये लाइन का मतलब है, तो यही जो निशा बैठी है ये तुम्हारा 8th है, कौन से साइड से, राइट एंड से, ठीक है। तो याद रखो जब एक पर्सन का लेफ्ट वाला डेटा भी दिया हुआ हो और राइट वाला डेटा भी दिया हुआ हो, वहां पे टोटल हमेशा कैसा निकालोगे, उस पर्सन का लेफ्ट डेटा
प्लस उसका राइट डेटा माइनस वन। माइनस वन क्यों करना है, क्योंकि निशा जो है वो यहाँ पे एक ही बंदी बैठी है, पर लेफ्ट में भी हम उसको एक बार काउंट कर रहे हैं, राइट में भी उसको एक बार काउंट कर रहे हैं, तो जो डबल काउंट हो रहा है, ठीक है, जो टू टाइम्स उसका काउंट हो रहा है, उसमें से एक टाइम हमको माइनस करना है, क्योंकि वो तो एक ही पर्सन है पर उसका काउंट टू हो रहा है। तो इसी वजह से ये हो जाएगा तुम्हारा 12 प्लस 8 कितना 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19। तो इस रो में टोटल 19 पर्सन्स बैठे हैं। क्लियर हुए? क्लियर हुए करो, बाकी एक बार हमें कंफर्म करो, पूरा आराम से समझा दिए, देखो क्लियर हो गए। ओके ठीक है, अगली क्लास में हम इस टाइप के रैंकिंग पे बेस्ट ज्यादा क्वेश्चंस लाएंगे, जैसे कि तुम्हारा रैंकिंग को लेके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एक ऑर्डर का क्वेश्चन है, ठीक है, 6 लोगों को सही ऑर्डर में सजाओ और बताओ क्या होगा आंसर। सही ऑर्डर इनका लाओ, इन 6 लोगों का। कोई बात नहीं है, बैच में हो ना, तो जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि ज्यादा क्लियर हो सके तुम्हारा डाउट। ऑप्शन डी हो रहा है। ओके चलो चेक करते हैं। 6 लोग हैं, डिफरेंट हाइट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एन इज टॉलर देन क्यू एंड पी, इसका मतलब एन जो है वो टॉलर देन है किससे, क्यू पी दोनों से, बट शॉर्टर देन एम है। पी इज टॉलर देन ओनली क्यू, पी जो है वो सिर्फ क्यू से, इसका मतलब यहाँ क्यू है और यहाँ पी है, पी सिर्फ क्यू से टॉल है। वाइल एस इज शॉर्टर देन ओनली एल, मतलब एस जो है, ओके सॉरी, एस जो है वो सिर्फ एल से शॉर्टर है, ठीक है, वो सिर्फ ओनली एल, सिर्फ एल से शॉर्टर है, बाकी सबसे वो टॉलर है। अब यहाँ पे तुम्हारा बचे एम और एन, तो इसी हिसाब से कायदे में दिख रहा है क्यू पी से बड़े एन है, एन से बड़ा एम है, तो ये हो गया उनका सीरीज। पूछ रहा है टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट कौन है, तो टॉलेस्ट ये सबसे टॉल वाला बंदा है, टॉलेस्ट बंदा एल है, शॉर्टेस्ट बंदा क्यू है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ओके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हुए? हाँ ऑप्शन बी होगा, ओनली वाले वर्ड पे फोकस करो, ठीक है, ओनली वाले वर्ड पे सही से फोकस करो। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो ये भी वही ऑर्डर का क्वेश्चन है। हाँ यू हैव टू प्रैक्टिस मोर, जो क्वेश्चन हम देंगे कायदे से 50-50 के सेट्स रहेंगे, देखते हैं जितना हमसे हो पाएगा हम उतना प्रैक्टिस सेट तुम लोगों को देंगे।
चलो ऑप्शन डी बता रहे हो, एक बार देखते हैं। गीता इज टॉलर देन सीता बट नॉट शॉर्टर देन राधा, इसका मतलब है अगर नॉट शॉर्टर है इसका मतलब है टॉलर। इसका मतलब सिंपल सा बात है, गीता जो है वो टॉलर देन सीता भी है और राधा भी है, सीता और राधा दोनों से बड़ी है वो। राधा रानी आर ऑफ सेम हाइट, तो इसका मतलब राधा इक्वल्स टू रानी है। फिर उसके बाद गीता इज शॉर्टर देन, यहीं पे इसको लिख लेते हैं राधा इक्वल्स टू रानी। अब उसके बाद है गीता इज शॉर्टर देन पारू, मतलब गीता से भी बड़ी कौन है, पारू है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अमोंग द ऑल हु इज टॉलेस्ट, अब टॉलेस्ट कौन है, पारू जो है वो टॉलेस्ट है। अगर यहाँ पे तुम्हें शॉर्टेस्ट पूछता, ठीक है, शॉर्टेस्ट कौन है पूछता, तो आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक लड़की सीता है उनका रिलेशन राधा रानी के साथ गिवन नहीं है। टॉलेस्ट पूछा है सो आंसर ऑप्शन डी होगा, वेरी गुड। ओके ये रहा अगला क्वेश्चन। डी डेटा इन एडिक्वेट। ओके गीता इज सीनियर टू शिल्पा, ठीक है गीता इज सीनियर टू शिल्पा बट नॉट टू दीपा, इसका मतलब गीता दीपा से सीनियर अगर नहीं है तो दीपा गीता से सीनियर है। गायत्री इज जूनियर टू रिपा, ओके तो गायत्री का तो फिलहाल यहाँ नाम नहीं है तो गायत्री यहाँ आ गई, गायत्री इज जूनियर टू रिपा। फिर उसके बाद है नो वन इज सीनियर टू फतिमा, इसका मतलब फतिमा जो है वो सबसे सीनियर है, ठीक है फतिमा जो है वो सबसे सीनियर है। बट ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाली बंदी तो गीता है तो शिल्पा, यहाँ पे दीपा, यहाँ रीपा गायत्री, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन जब नहीं मिल पा रहा है तो मोस्ट जूनियर कौन है पता नहीं चल पा रहा है। सो आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट। ओके वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो और बताओ।
ऑप्शन सी ओके, तो चलो देखते हैं ऑप्शन सी होगा या नहीं आंसर। तो क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज कितने कितने हैं ये तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया गया है, 10 गर्ल्स है और 20 बॉयज है। जया जो है वो 4, तो जया जो है वो गर्ल्स में, तो अगर सिर्फ गर्ल्स की बात की जाए तो वो 4 है, ठीक है। तो अगर हम 4 बोला गया तो जाहिर सा बात है टॉप से, तो यहाँ हो गई वो जया जो कि टॉप से कितने में है, 4th गर्ल है, 4th गर्ल है। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि उसके ऊपर और 3 गर्ल्स है, उसके ऊपर 3 गर्ल्स हैं, बट 18 इन द क्लास है वो। तो क्लास में अगर 18 है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि जया जो है वो क्लास में 18 है, तो उसके ऊपर टोटल 17 बॉय प्लस गर्ल है, बॉय और गर्ल मिला के उसके ऊपर टोटल 17 है। तो यहाँ से कंफर्म ये हो गया है कि जबकि गर्ल सिर्फ 3 है तो बाकी जो भी बच गए हैं वो बॉयज होंगे, मतलब 14 बॉयज हैं, 14 बॉयज हैं जो जया के ऊपर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज जयाज रैंक अमोंग द बॉयज इन क्लास, तो जया का रैंक बॉयज में, अच्छा अगर बॉयज में देखोगे, सिर्फ बॉयज में अगर उसको खड़ा करवाओगे तो जबकि उसके ऊपर 14 है तो जया कितने में बैठ जाएगी, 15th में बैठ जाएगी। लड़कियों को छांटना है, सिर्फ लड़कों को खड़ा करना है, तो जबकि जया के ऊपर 14 बॉयज है, जया खुद कितने में खड़ी हो जाएगी, 15th में खड़ी। क्लियर हो? ऑप्शन डी होगा, वेरी गुड, 15। ओके, रैंकिंग के क्वेश्चन जब भी करो एक ही चीज है, डायग्राम बनाओ। तुम डायग्राम जैसे बनाते जाओगे तुम्हारा दिमाग वैसे ही क्लियर होता जाएगा, प्लस करना है, माइनस करना है, आगे लेना है, पीछे लेना है, बस एक ही चीज होता है, वो ये है कि डायग्राम सही से डालो। ओके, टॉप बॉटम रहे तब भी डायग्राम सही से करो, लेफ्ट राइट रहे। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस तुम्हें काफी बार, जैसे पिछले एक दो क्वेश्चन में तुमको लेफ्ट राइट ज्यादा दिखने को मिले, तो वही है कि लेफ्ट कहाँ से डालना है और राइट कहाँ से डालना है, ठीक है, लेफ्ट कहाँ से डालना है और राइट कहाँ से डालना है, इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखो, ठीक है। टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, टू राइट, फ्रॉम राइट, ये चीज तुम्हें रैंकिंग में देखने को मिलेगी, ये चीज तुम लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखने को मिलेगी, ये चीज तुमको अल्फाबेट सीरीज में भी मिलेगा, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में भी ये चीज देखने को मिलेगा। तो ये जो टू लेफ्ट हो गया, उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट हो गया, फिर उसके बाद टू राइट हो गया, उसके बाद फ्रॉम राइट हो गया, ये जो चारों चीजें हैं ये कहां से कहां मूव करते हैं, ये चीज का ध्यान हमेशा रखना है तुमको। जितना प्रॉपरली इसका ध्यान रखोगे तुम्हें प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दिया हुआ है, ये टॉप बॉटम का एक पैटर्न है तुम्हारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, करो बाकी, क्लास में कंफर्टेबल हो, समझ पा रहे हो जिसे समझा रहे हैं या और स्लो समझाए। सेशन अच्छा लग रहा होगा, आई विश। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आप हमारा ऑफलाइन क्लास भी अटेंड किए हो, चलो वेरी गुड। ओके, सो आई विश तुमको समझ आ रहा होगा, मतलब ओके, थैंक यू। चलो, सो ये रहा फिर से एक रैंकिंग का क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो।
ओके C37, चलो चेक करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन बोला है रो सारे नॉर्थ फेसिंग है, मतलब लेफ्ट मतलब तुम्हारा लेफ्ट, राइट मतलब तुम्हारा राइट। रितेश जो है वो 12th फ्रॉम लेफ्ट है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से रितेश 12th में है। सुधीर जो कि राइट से 22nd है, सुधीर जो कि राइट साइड से 22nd है, वो 4th राइट ऑफ रितेश है, मतलब रितेश से 4th राइट में बैठा है। तो हम आपको बोले थे कि 2 राइट का मतलब आगे बढ़ना है, तो कितना आगे है, 4th राइट में है। तो 12 प्लस 4, 16th में कौन बैठा है, सुधीर। हाँ सुधीर, पर वो कहाँ से है, लेफ्ट एंड से वो 16th में है। राइट एंड से वो कितना है, राइट एंड से सुधीर का देखा जाए तो 22nd है। तो राइट से वो अगर 22nd है तो बोल रहा है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा 16 प्लस 22 इक्वल्स टू 38 माइनस 1 माइनस 1। इसी वजह से करना है क्योंकि सुधीर एक ही बंदा है, वो लेफ्ट से एक बार राइट से एक बार डबल काउंट हो गया, ठीक है, वो डबल काउंट हो गया, तो उसका एक काउंट माइनस करना है। 38 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। बिंगो, सीख गए तुम, क्योंकि ऑप्शन सी 37 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो रैंकिंग उतना भी दिक्कत नहीं करता है एग्जाम में, बस कॉन्सेप्ट समझना है। एक दो क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन तक तुम पूरा समझ गए चीजों को, क्लियर हो। इस क्वेश्चन का एक्चुअल में करेक्ट आंसर भी है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक ऑर्डर का क्वेश्चन है, इनका सही ऑर्डर बताओ। ऑप्शन ई, डेटा इन एडिक्वेट। ओके सो लेट्स सी, ऑप्शन ई डेटा इन एडिक्वेट हो रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, ईच वन हैज सिक्योर डिफरेंट मार्क्स। ओके चलो ठीक है। आर जो है वो रखा है ज्यादा मार्क एम और टी दोनों से, एन जो है वो कम मार्क रखा है पी से, तो थर्ड हाईएस्ट कौन है। तो देखो ये दोनों में कोई तो लिंकिंग है नहीं, तो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट कुछ नहीं मिलेगा। आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट। ओके ऑप्शन ई डेटा इनएडिक्वेट। ओके एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बात बताओ, क्या तुम मतलब
सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो या कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, एक बार वो क्लियर कर दो। सिटिंग अरेंजमेंट पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो तो फिर कोशिश करो। स्लो है, कोई बात नहीं है, आराम से टाइम लो, आंसर करो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए तो हम क्वेश्चन देंगे, तो जाहिर सा बात है स्पीड बढ़ ही जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बी आ रहा है आंसर, चलो देखते हैं बी होगा या नहीं। देखो कितने हैं, 8 लोग हैं और सर्कल में हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑल आर फेसिंग सेंटर है मतलब तुम्हारा राइट उन लोगों का राइट, तुम्हारा लेफ्ट उन लोगों का लेफ्ट है। तो पहले बोला है डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो कहीं पे भी एक एफ बैठेगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, डी। एंड किसके लिए है, सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन के लिए, तो डी इज थर्ड राइट ऑफ एच, तो एच के राइट में थर्ड प्लेस में डी है। ओके, फिर बोल रहा है ए इज सेकंड राइट ऑफ एफ, तो एफ के राइट में सेकंड पोजीशन में ए है एंड इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पे ये एंड वर्ड किसके लिए है, ए के लिए, तो ए ऑलरेडी एच का इमीडिएट नेबर हो गया है। उस बी है, एफ जो है वो थर्ड राइट ऑफ बी है, तो देखो बी को यहाँ बिठाओगे तो उसके थर्ड राइट में एफ होगा। फिर उसके बाद सी बी के सेकंड राइट में है, तो बी के सेकंड राइट में मतलब यहाँ सी हो जाएगा। उसके बाद जी जो बंदा है वो एफ का नेबर नहीं होगा, तो जी यहाँ आ गया, तो ए बी सी डी ये बंदा हो गया ई। ठीक है, सो जी जो है वो इमीडिएट नेबर एफ का नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा 8 लोगों का अरेंजमेंट। तो पहला चीज ये देखो कि कोई एक पर्सन को उठा लो, हमारा क्लॉकवाइज जैसे चल रहा है, तुम्हारा अगर क्लॉकवाइज वैसे चल रहा है तो ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन एच सी, तो देखो एच और सी जो है ये तुम्हारे आमने सामने बैठे हैं, तो आमने सामने अगर एच और सी बैठे हैं तो जाहिर सा बात है इनके लेफ्ट से तुम लो या राइट से लो, इनके बीच में 3 ही लोग बैठे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 3 persons। ठीक है, क्लियर हुए, समझ गए, 3 लोग बैठे हैं इनके बीच में, ऑप्शन बी 3, वेरी गुड। मतलब अब हम कंफर्म है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। ओके, इसी से पिछले वाले क्वेश्चन पे लेके बताओ, फोर्थ राइट ऑफ बी कौन है, बी के फोर्थ राइट में कौन है। अच्छा, ऑप्शन ए ई जो पर्सन है, चलो देखते हैं। तो तुम्हें बोल रहा है कि फोर्थ राइट ऑफ बी, याद रखो 8 persons बैठे हैं, अगर उसमें फोर्थ पोजीशन पूछे, वो फोर्थ लेफ्ट हो या फिर फोर्थ राइट हो, 8 लोगों में फोर्थ पोजीशन वाला इंसान हमेशा फ्रंट टू फ्रंट बैठता है, जो आमने सामने होंगे
वो फोर्थ पोजीशन होगी, कहाँ पे, 8 लोगों में, ठीक है। तो फोर्थ राइट ऑफ बी मतलब बी के सामने, तो यहाँ पे देखो बी के सामने कौन था, बी के सामने ई बैठा था। सो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए ई, ठीक है, ऑप्शन ए ई जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर इसी का दूसरा आंसर जल्दी से दो कि व्हाट इज ईज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू जी, जी से कितने दूरी में ई है। ऑप्शन बी, चलो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, थर्ड टू द लेफ्ट विथ रेस्पेक्ट दूरी में है। तो जी से अगर देखोगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड टू द राइट है, ठीक है। थर्ड टू द राइट मतलब, थर्ड टू द राइट मतलब ऑप्शन सी में बैठा है, ओके। थर्ड टू द राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा बाबू, थर्ड टू द राइट है, ई का पोजिशन जी से, अच्छा जी से, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ थर्ड टू द लेफ्ट होगा, आई एम सो सॉरी सॉरी, जी से निकालना है ई का पोजीशन, तो हाँ थर्ड टू द लेफ्ट होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जी के थर्ड लेफ्ट में है, ओके जी के थर्ड लेफ्ट में है। सो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर हो। सो ये थे आज के थोड़े से क्वेश्चंस, अभी कुछ रैंडम क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, ओके। कुछ रैंडम क्वेश्चन हम मतलब प्रीवियस एग्जाम के निकाल के रखे हुए हैं, तो सॉल्व करो, ठीक है। क्लास खत्म नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन आज के हैं, सॉल्व करो, उसके बाद हम मतलब क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म करो कि व्हाइट बोर्ड तुम्हें विजिबल हुआ, एक बार कंफर्म करो व्हाइट बोर्ड विजिबल हुआ या नहीं। व्हाइट बोर्ड विजिबल हुआ, ओके चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये चार ऑप्शंस हैं, देख के बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, देख के बताओ। नॉट श्योर, मे बी 42, ओके। देखो तुम्हारा 6 और 3 जो है ये बन गया इंटू 0.5, फिर 3 से 3 जो है ये बन गया इंटू 1, ठीक है। 3 से 3 जो है ये तुम्हारा 6, फिर यहाँ 3, 3, 6, 24, तो ये हो गया तुम्हारा इंटू 0.5, ये हो गया तुम्हारा इंटू 1, ये हो गया इंटू 2, ये हो गया इंटू 4। तो देखो इसका डबल है ये, इसका डबल है ये, इसका डबल है ये, तो इसका डबल मतलब ये हो जाएगा इंटू 8, ठीक है। इंटू 8 मतलब, ओके सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा 192, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर हुए। हाँ 192 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं।
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये रखे हुए थे, तो इसको तुमको थोड़ा सा मतलब करवा लेते हैं ताकि दिमाग में थोड़ा सा रहे। तुम्हें तीन वर्ड दिए गए हैं, एक है फ्रूट, ओके, तीन वर्ड है, एक वर्ड है फ्रूट, एक वर्ड है रेड और एक वर्ड है शर्ट, ओके, और ये है तुम्हारे वेन डायग्राम्स। ओके, ये तुम्हारा हो गया वेन डायग्राम नंबर वन, ये डायग्राम नंबर टू, डायग्राम नंबर थ्री, डायग्राम नंबर फोर। जल्दी से बताओ कौन सा होगा आंसर। फ्रूट, रेड और शर्ट। ऑप्शन टू कंफर्म हो? ऑप्शन टू होगा। रेड कलर का शर्ट और फ्रूट के साथ कोई लेना देना नहीं है। रेड कलर का शर्ट और फ्रूट के साथ कोई लेना देना नहीं है, सोच के बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन थ्री। ठीक है, ऑप्शन थ्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जहां पे बीच में रहेगा तुम्हारा कॉमन कलर जो है रेड। ओके, कुछ फ्रूट रेड कलर के होते हैं, कुछ शर्ट भी रेड कलर के होते हैं। क्लियर हो? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। लॉजिकल वेन डायग्राम पे पूरा एक दिन एक क्लास रखेंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल वेन डायग्राम्स के ही रहेंगे। ओके, इसका ये एक टाइप वन है, टाइप टू भी कभी कभार एग्जाम में रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है तुम लोगों का, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है वेल फिश क्रोकोडाइल, वेल फिश, और तुम्हारे ऑप्शंस है। ओके, देख के बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से देख के बताओ। क्या होगा इसका आंसर, करो बाकी बताओ। कंफ्यूज्ड हो? क्यों कंफ्यूज्ड हो? इसमें कंफ्यूज होने पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो, वेल जो है वो एक फिश नहीं है। ठीक है, वेल जो है वो एक फिश नहीं है, वेल एक मैमल होता है। ठीक है, वेल एक मैमल होता है, जैसे टोमेटो तुम्हारा, ठीक है, टोमेटो जो है ये तुम्हारा फ्रूट भी होता है और ये तुम्हारा वेजिटेबल भी होता है। वैसे जो बैट होते हैं, ठीक है, चमगादड़ जो बैट होते हैं, ये लोग भी मैमल होते हैं। बैट जो है इनको बर्ड नहीं बोला जाता, ये लोग बर्ड नहीं होते हैं, ये मैमल होते हैं। वैसे ही वेल जो है ये एक फिश नहीं है, ये एक मैमल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फिश में क्रोकोडाइल भी एक फिश नहीं है। ओके, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल के कैटेगरी में आता है, वो एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल। ठीक है, तो पेट के बल जो चलता है, तो फिश अलग, क्रोकोडाइल अलग और वेल अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर हुए? हाँ, वो एक मैमल है। ठीक है, वो एक मैमल है।
ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर। सोचे तो थे फिर झिझकाए क्यों थे, अगर सोचे थे तो फिर कंफ्यूज क्यों थे। नहीं कंफ्यूज बिल्कुल मत रखो, अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर रखो। ओके जो सोचे थे एकदम से सही था वो। ओके तो चलो आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं, फिर अगला क्लास जब भी आपका रहेगा, अगला क्लास अच्छा वेलफिश है? नहीं 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 बाबू वेलफिश नहीं है। ओके हाँ इट्स अ मैमल, इट्स अ मैमल, और इसी वजह से वो फिश के कैटेगरी में नहीं आता है। आप जब बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन लेते हो तो वो फिश के कैटेगरी में नहीं आता है, वो मैमल में आता है। वैसे ही बैट का जब आप बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन लेते हो वो बर्ड के अंदर नहीं आता है, वो मैमल होता है। ठीक है आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं, कल आप लोगों का क्लास जो है वो फिर से इसी टाइम पे रहेगा 5 बजे। ठीक है कल का क्लास भी आप लोगों का हम 5 बजे रखेंगे। ठीक है उसके बाद अगले वीक से जो है वो क्लास हम चेंज करेंगे। इस संडे में स्पेशल क्लास है तुम लोगों का जो कि इंग्लिश का है। ठीक है इस संडे में हम संडे का ऑलरेडी हम स्लाइड बना लिए हैं जो कि भरपूर फ्रेजल वर्ब पे है। एसओ में एक्सपेक्ट करो कि 2 क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब से रहते हैं। ठीक है एसओ में तुम्हारे 2 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के रहते हैं, तो इसी वजह से पहला हम फ्रेजल वर्ब से इंग्लिश का एक क्लास लेंगे तुम लोगों का। कमिंग वीक होगा तो हम करंट अफेयर और स्टैटिक का लेंगे। ठीक है थैंक यू सो मच। हाँ श्योर 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 जरूर अटेंड करना। थैंक यू।